हेलो दोस्तों, हमारे सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आरडी शर्मा बुक में के अनसॉल्व क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर आईआईटी जेई। ये क्वेश्चन आपको आईआईटी जेई के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, फिफ ए इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री 42 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू कॉट 66 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। देन ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज इक्वल टू 2b, सेकंड ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1/3, थर्ड ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी, फोर्थ ऑप्शन 3a इज इक्वल टू 2b। तो देखो, ए बाय बी करेंगे मतलब ए डिवाइड बाय बी, तो क्या आएगा इधर, ए की वैल्यू टेन 6 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री डिवाइड बाय कॉट 66 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। तो देखो, वन अपॉन कॉट 66 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है, टेन 66 डिग्री बराबर है। तो देखो, हमने क्या किया, 1 अपॉन cot 66 डिग्री क्या लिखा, tan 66 डिग्री, क्या लिखा, tan 66 डिग्री, और 1 अपॉन cot 78 डिग्री क्या लिखा, tan 78 डिग्री। तो देखो, tan 6 डिग्री को अपन कैसा लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा वो, साइन 6 डिग्री डिवाइड बाय क्या आएगा, कॉस 6 डिग्री बराबर है। ऐसा ही हम tan 42 डिग्री को लिखेंगे और tan 66 डिग्री को लिखेंगे और tan 78 डिग्री को लिखेंगे। तो क्या साइन 6 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 78 डिग्री। इसका अगर सॉल्व किया तो क्या आता, 1 आता। ये कैसे आता ये भी डिस्कस करेंगे। और ए डिवाइड का भी उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 से, तो ए इज इक्वल टू बी, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आएगा। लेकिन ये कैसे आया सॉल्व करके, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, साइन फर्स्ट हम ये सॉल्व करेंगे, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या आता है, और इसके बराबर ही कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री आता है क्या, ये देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने लिखा साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री, ये ऊपर का इक्वेशन वैसे का वैसे लिखा। तो देखो, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 cos 6 डिग्री मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 cos 6 डिग्री से, दोनों साइड ऊपर और नीचे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 cos 6 डिग्री से। तो देखो, यहाँ पे क्या इक्वेशन बना, 2 cos 6 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, और नीचे क्या आया, 2 cos 6 डिग्री डिवाइड में आया 2 cos 6 डिग्री। तो देखो, 2 cos 6 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री, 2 cos sin theta इंटू कॉस थीटा क्या रहता है, sin 2 theta बराबर है। ये sin 2 theta का फॉर्मूला बन गया। और साइन 42 डिग्री को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48। तो देखो, 90 माइनस मतलब क्या, 90 माइनस देखो यहाँ पे 0 और ये 90 बराबर है। तो 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस 48 है, तो इधर क्या आएगा, कॉस 48। उसके बाद साइन 90 माइनस 24 लिखेंगे साइन 66 को, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। उसके बाद साइन 78 को कॉस 90 माइनस 12 लिखेंगे। तो देखो, और डिवाइड में 2 cos 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin theta इंटू कॉस थीटा साइन 2 theta साइन 12 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस 48, उसके बाद इधर भी कॉस 24, इधर भी कॉस 12, और नीचे डिवाइड में 2 cos 6 डिग्री। उसके बाद देखो, फिर एक बार हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाय 2 किया। तो देखो, यहाँ पे 2 sin 12 डिग्री और ये कॉस 12 डिग्री इधर लाएंगे साइन के बाजू में। तो देखो, 2 sin 12 डिग्री और कॉस 12 डिग्री इंटू कॉस 48 इंटू कॉस 24 और डिवाइड में 4 cos 6 डिग्री बराबर है। तो 4 cos 6 डिग्री, यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 sin theta इंटू कॉस थीटा साइन 2 theta साइन 24, और यहाँ पे फिर एक बार कॉस 48 इंटू कॉस 24 डिवाइड में 4 cos 6 डिग्री। फिर एक बार ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या आएगा, 2 sin 24 डिग्री इंटू कॉस 24 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री और डिवाइड में 8 cos 6 डिग्री। उसके बाद इधर क्या आएगा, 2 sin theta इंटू कॉस थीटा साइन 2 theta साइन 48 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री डिवाइड में 8 cos 6 डिग्री। उसके बाद फिर ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 करेंगे तो 2 sin 48 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री डिवाइड बाई 16 cos 6 डिग्री। तो यहाँ पे 2 sin theta इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 theta, इधर क्या आएगा, साइन 96 डिग्री। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 16 cos 6 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 96 को कैसे लिख सकते हैं अपन, साइन
90+6 बराबर है। 90+6 लिखा तो क्या आता है, साइन 90+थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, और 90+थीटा क्या रहता है, साइन 90+थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस 6 डिग्री आएगा, तो कॉस 6 डिग्री यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ के, और बचेगा क्या 1/16। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का 1/16 आया, तो इधर जो डिवाइड में उसका कॉस का इक्वेशन का भी क्या आना चाहिए, 1/16, तो वो कैंसिल होंगे और आंसर 1 आएगा, तो देखो वो 1/16 आते ही का देखेंगे। तो देखो यहाँ पे वही इक्वेशन लिया, कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/4 इधर लिख लिया, यहाँ पे 2 हम किसको देंगे, 2 हम कॉस 48 को देंगे और कॉस 42 को देंगे। यहाँ पे क्या लिया, लिखा 2 कॉस 78 डिग्री और कॉस 42 डिग्री लिखा, और जो 2 है मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जो बचे वाले उस वो हम 2 कॉस 66 डिग्री और कॉस 6 डिग्री को देंगे। तो देखो यहाँ पे उसके बाद 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला है, cos A+B + cos A-B, ये फॉर्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। तो इधर ये वो फॉर्मूला क्या आएगा, cos A+B मतलब 78+42 कितना आता है, 122, cos 122, और प्लस A-B 78-42 कितना आता, cos 36। उसके बाद इधर भी वही फॉर्मूला, cos 66+6 72, cos 66-6 यहाँ पे 60 है, गलती से ये हो गया, इधर 60 है, cos 60 है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व किया, 1/4 cos 120 की वैल्यू -1/2 रहती है, प्लस cos 36 की वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी, √5 + 1/4। उसके बाद cos 72 की वैल्यू √5 - 1/4 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 60 है, सॉरी गलती से 66 लिखा। उसके बाद 1/4 यहाँ पे 1/4 आएगा, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया, -2 + ये इसको सॉल्व किया तो क्या आता है, 1/16 आता है। ये आप सॉल्व करिए, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, 1/16 आ रहे हैं, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या 1। समझा ये क्वेश्चन आपको, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, आपको IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2, देन साइन रेस टू एन एक्स प्लस कोसेक रेस टू एन एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड, सेकंड ऑप्शन 2n, थर्ड ऑप्शन 2n-1, फोर्थ ऑप्शन 2n। तो देखो इसका सोल्यूशन देखेंगे, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स को अपन 1/sin x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आएगा, sin²x + 1 इज इक्वल टू ये साइन एक्स को इधर मल्टीप्लिकेशन में 2 sin x, इधर इसको 2 sin x लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा, sin²x - 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, sin x - 1 का होल स्क्वायर है, बराबर है। तो देखो साइन एक्स इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो sin x = 1, तो ये sin x = 1, तो 1/sin x क्या है, cosec x, 1/sin x क्या आएगा, 1 ही आएगा, cosec x की वैल्यू भी क्या आएंगी, 1 ही आएंगी, तो 1 की पावर कितनी भी रहेंगी।